प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि पता है कि इस टाइम अर्थात 10:30 बजे 10:30 में हम लाइट का क्लास देते हैं, और आप लोगों को ये भी बताए होंगे कि कुछ दिन तक 10 दिन 12 दिन तक हम सॉल्ट क्लास लेंगे, जैसे 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का क्लास नहीं लेंगे। ठीक, हाँ, 10-15 दिन के बाद फिर वही 1 आवर का क्लास हम लेना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लाइट से रिलेटेड टॉपिक का इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, और इस लेक्चर में चर्चा करेंगे प्लेन मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अर्थात प्लेन मिरर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम आप लोगों को सिखाना, बताना, लिखाना प्रारंभ करें, उससे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, और कॉपी कलम निकाल कर क्या कीजिए, बैठ जाइए, ताकि आप लोग एक प्यारा सा नोट्स तैयार कर सके, और जो कि आपको रिवीजन करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों, हमें पता है कि आप लोग कॉपी कलम निकाल चुके होंगे, तो अब हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लेन मिरर। तो कॉपी कलम निकाले होंगे, तो जल्दी जल्दी उसमें नोट कर लीजिए हेडिंग के रूप में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लेन मिरर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लेन मिरर। प्रिंट हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स के झोले में जरूर बताइएगा कि सर जी प्रिंट हो चुका है। तो आप लोग अगर प्रिंट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, जिनको हिंदी लिखना है, जिनको हिंदी लिखना है वो आराम से क्या कीजिए, लिख लीजिए। देखो, समतल दर्पण के संबंध में, समतल दर्पण के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुएं, महत्वपूर्ण बिंदुएं। देखो, इस प्रकार से पॉइंट देकर लिखिए। देखो, फोकल लेंथ एज विद एज, फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एज इनफिनिटी, साथ साथ लिखिए, मोहब्बत वर्षा के लिखिए, फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर एज इनफिनिटी। इसका मतलब समतल दर्पण के फोकस दूरी के साथ साथ वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। देखिए, जैसा कि पता है ये स्फेरिकल मिरर है, और इसको रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको हाफ पार्ट को
focal length करते हैं लेकिन अगर किसी प्लेन मिरर का चर्चा करें तो ये बहुत बड़ा गोलाकार क्या होगा भाग होगा जैसे पृथ्वी के एक गोला है आपका उसका सतह क्या है प्लेन दिखता है या महसूस होता है तो गौर कीजिएगा आपके तुलना आपके आकार के तुलना में आपके हाथ में एक फुटबॉल है तो फुटबॉल का रेडियस अगर आ रहा है तो बोलिएगा अर्थ का रेडियस तो ये फुटबॉल के तुलना में इन्फिनिटी होगा अर्थात अनंत होगा क्यों क्योंकि समतल जो पार्ट होता है स्फीयर का अगर स्फीयर का पार्ट आपके पास समतल है इसका मतलब उसका तुलनात्मक आकार बहुत बहुत बड़ा है ये बात आप लोगों को ध्यान देना होगा तो उसी प्रकार से प्लेन मिरर जो है बहुत 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 बड़ा स्फीयर के खोखले गोले का भाग मानेंगे तो वही बात है देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी के साथ साथ हिंदी लिखिए कॉपी कलम लेकर बैठे ही होंगे आप लोग जब कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठे हैं तो हिंदी जरूर लिखिए लिखो समतल दर्पण के फोकस दूरी के साथ साथ वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है अब कुछ नहीं ध्यान दीजिएगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा समझ में आता है या नहीं ये आप लोग जरूर बताइएगा आपसे अगर प्यार से पूछ दे क्या बाबू फोकल लेंथ को एफ से दर्शाते हैं याद रखिए कमेंट में जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए बहुत अच्छा है आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं है तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा और ये भी बताइएगा कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या होगा बता दीजिए देखिए इस पर कष्ट इसलिए बताते हैं तो बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का है इन्फिनिटी बहुत मन से आप लोग पढ़ाई करते हैं और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए ठीक है अच्छी बात है अगला पॉइंट लिखिए पावर ऑफ द लिखिए अगला पॉइंट समझ में आया है तो एक प्यारा सा मुस्कान कमेंट बॉक्स के झोली में डाल दीजिए समझ में आया है तो एक प्यारा सा मुस्कान कमेंट बॉक्स के झोली में डाल दीजिए आगे अब आप लोग ध्यान दीजिए लिखो पावर ऑफ द प्लेन मिरर पावर ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफिनिटी पावर ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफिनिटी सॉरी पावर ऑफ द प्लेन मिरर इज जीरो माफ कीजिएगा गलत लिखा गया पावर ऑफ द प्लेन मिरर इज जीरो पावर का मतलब होता है क्षमता ऑफ के मतलब का
प्लेन मिरर का हिंदी होगा समतल दर्पण की क्षमता शून्य होता है। लिखो जिनको हिंदी की आवश्यकता है, समतल दर्पण की क्षमता शून्य होता है। समतल दर्पण की क्षमता क्या होता है? शून्य होता है। हाँ, क्या ये भी बता दें कि जीरो क्यों होता है? बोलिए, पूछिएगा तो हम क्या करेंगे? बता देंगे। पूछिएगा तो हम बता देंगे। चलिए, क्यों होता है थोड़ा देख लीजिए, दैट इज करके इस बात को लिखिएगा। लेकिन तत्काल लिखनाई बंद कर दीजिए। लेकिन तत्काल आप लोग लिखना ही क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। प्लेन मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर का पावर जीरो होता है। जब पी बराबर फार्मूला होता है वन टू टायर, याद है ये बात आपको पता होगा। यहाँ एफ जो है मीटर में लिखा जाता है, एफ इन मीटर, तो पावर का यूनिट जो है वो डायोप्टर में हो। अच्छा, ये बात याद है, पी बराबर वन बटा एफ, अगर याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो नहीं अच्छा है। पी, पी का मतलब होगा पावर, वन बटा एफ का मतलब होगा फोकल लेंथ। मजा आ रहा है, देखिए। अच्छा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिए बताइए, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? तो हाँ, कमेंट में जवाब दे चुके होंगे, इन्फिनिटी, वन बटा इन्फिनिटी। ये मत समझिएगा ये अर्थ था आंधी आया और अर्थ उलट गया, ऐसा बात नहीं है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है और इन्फिनिटी बहुत 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 बड़ा, किसी के तुलना में बहुत बहुत बड़ा होता है। और वन बटा इन्फिनिटी का वैल्यू जो है जीरो होता है, पावर है वो आपका जीरो आ गया। प्रिंट कर लीजिए, इसके बाद आगे लिखो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये जो वन आप लोग प्रिंट कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, तो आगे हम लोग दौड़ने वाले हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस का मुहर लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नो का मुहर लगाइए। लिखो आगे, लिखो मैग्निफिकेशन ऑफ द, मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द प्लेन, प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज वन, मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज वन, मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज वन, इसका हिंदी होगा समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। लिखो, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है, समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। कैसे होता है? देखिए, फॉर प्लेन मिरर लिखना आप लोग प्यार से बंद कर दीजिए, फॉर प्लेन मिरर, समतल दर्पण का अगर चर्चा करें तो याद रखिएगा ये साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों के दोनों
आपस में बराबर होता है। याद रखिए समतल दर्पण में साइज ऑफ इमेज, प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर होता है। याद रखिएगा ये बात, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आकार का इमेज होगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बराबर साइज ऑफ फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज ओवर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए बराबर होता है, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए बराबर होता है, तो बराबर से बराबर कट जाएगा, बराबर बना जाएगा। चलिए देख लीजिए, प्रिंट कर लीजिए अगर समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स की झोली में यस का जरूर अविनाश चंद्रवंशी पॉजिटिव नेगेटिव वक्त आएगा, साइन कन्वेंशन पहले बताएंगे उसके बाद अविनाश जी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा स्फेरिकल मिरर में जाकर। ठीक है, चलिए ऐसे तो प्लेन मिरर में केवल और केवल पॉजिटिव के बारे में चर्चा कीजिए, नेगेटिव के बारे सोचना ही नहीं है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, लिखो मिटा सकते हैं, यस या नो बताइए, मिटाने वाला किधर है, यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए देखिए कि आखिर प्लेन मिरर जो है किस प्रकार के इमेज का निर्माण करता है, प्लेन मिरर जो है वो किस प्रकार के इमेज का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए लिखिएगा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज वर्चुअल कॉमा इरेक्ट, वर्चुअल कॉमा इरेक्ट, वर्चुअल कॉमा इरेक्ट कॉमा लिटरली, लिटरली इनवर्टेड, इनवर्टेड literally inverted comma obscene size of object, of same size of object and the same distance as the object, and the same distance as the object from the mirror, object from the mirror, from the mirror,
देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या आप लोग प्रिंट कर चुके हैं? देखिए क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होगा काल्पनिक होता है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, लिटरली इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टा, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब पार्श्व उल्टा। प्लेन मिरर में होता है क्या है कि जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, जो फ्रंट है वो बैक दिखेगा। देखिए लिटरली इन्वर्टेड का मतलब एल टू आर, लेफ्ट जो है वो राइट होकर दिखेगा और राइट जो है वो लेफ्ट, अर्थात लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में क्या होना बाबू, कन्वर्ट होना ही लिटरली इन्वर्टेड। ऐसा नहीं कि आप खड़ा है तो मुंडी आपका ऊपर है तो वो नीचे दिखेगा, नहीं, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट होकर दिखता है। ठीक है, तो तत्काल यही मैटर है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, और जो इमेज वर्चुअल होगा याद रखना वो सीधा होता है, पार्श्व उल्टा, वस्तु के आकार के बराबर तथा दर्पण से सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, दर्पण से वस्तु के समान दूरी, दर्पण से पीछे बनता है। समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए, ये प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बने वो वर्चुअल होगा, जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, फिर लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टा, इसका मतलब जो लेफ्ट है वो राइट देखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट देखेगा, सेम डिस्टेंस, सेम साइज, वस्तु के आकार के बराबर, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और दर्पण से समान दूरी पर, दर्पण से वस्तु के समान दूरी पर। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस का अपने जवाब दें, लिखो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब काल्पनिक कमा सीधा कमा पार्श्व उल्टा। ये एकदम स्पेशल ये टॉपिक बनाना है, ये सब वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर तथा तथा दर्पण से वस्तु के समान दूरी पर, तथा दर्पण से वस्तु के समान दूरी पर बनता है, बनता है। दोस्तों आज का सभा हम यही समाप्त करते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।